संत शिरोमणि आचार्य गुरु व श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरु व श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात सूत्र ग्रंथ राज के तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए हुए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में तृतीय अध्याय का वर्णन चल रहा है। तीन लोक के भीतर क्या क्या सन्निवेश है, रचनाएं हैं, उसका ज्ञान कराने के लिए यह तृतीय चतुर्थ अध्याय है। सबसे पहले हम लोगों ने अधोलोक का वर्णन सुना, नारकियों का अवस्थान कहाँ होता है, उनकी आयु आदि किस तरह की होती हैं, इन सब चीज़ों को सुनने के बाद अधोलोक से हम मध्यलोक की तरफ आते हैं। मध्यलोक यानी बीच का लोक, जहाँ पर कि मुख्य रूप से मनुष्य और त्रियंचों का वास होता है। और इसी मध्यलोक को हम त्रियक लोक के रूप में भी देखते हैं। क्या बोलते हैं इसको? त्रियक लोक। क्यों बोलते हैं? तो उसका ही कारण यहाँ इस सूत्र में दिया जा रहा है, ये समझने के लिए कि मध्यलोक में क्या क्या है और किस तरह से वह स्थित है, ये बताया जा रहा है। जम्बू द्वीप लबड़ोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्राहा। मध्यलोक को त्रियक लोक के रूप में क्यों कहा जाता है? तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि यह पूरा मध्यलोक मुख्य रूप से द्वीप और समुद्रों से भरा हुआ है। इस मध्यलोक में द्वीप और समुद्र ही हैं। उन द्वीपों के अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप बड़े बड़े तुलोई पंडित्ती आदि ग्रंथों से समझ पाएंगे। और उन द्वीपों और जो समुद्रों का विस्तार है, वो विस्तार एक तिर्यक रूप में रहता है। तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, है ना? तो इस तरह का जो विस्तार होता है, इसलिए इस लोक का नाम तिर्यक लोक भी कहा जाता है। जम्बू द्वीप लबड़ोदादय, ये द्वीप और समुद्रों के नाम से इनकी शुरुआत की गई है। आदय का मतलब आदि। सबसे पहला द्वीप का नाम बताया जम्बू द्वीप, और सबसे पहले समुद्र का नाम बताया लवणोद, लवण समुद्र। जम्बू द्वीप और लवण समुद्र, इनको आदि करके, माने इनको मुख्य बना करके, इनसे प्रारंभ करके बढ़ते जाना आगे आगे। कब तक जाना? तो जम्बू द्वीप लबड़ोदादय शुभ नामानु द्वीप समुद्रा, है ना? शुभ नाम वाले ये द्वीप और समुद्र हैं, यहाँ अभी इतना ही कहा है। कहाँ तक जाना? तो आचार्यों ने लिखा है कि आप अंतिम द्वीप और अंतिम समुद्र तक भी पहुँच सकते हैं।
और वह अंतिम द्वीप और अंतिम समुद्र का नाम भी शास्त्रों में मिलता है, यहाँ नहीं दिया लेकिन शास्त्रों में उसका नाम मिलता है स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। ये अंत का द्वीप और अंत का समुद्र कहलाता है। जम्बू द्वीप सबसे प्रमुख है, सबके बीचों बीच में है। यह भी ध्यान में रखना कि यह जम्बू द्वीप आदि नाम जो हैं ये शुभ नाम यहाँ कहे गए हैं। शुभ नाम का मतलब होता है कि जितने भी द्वीप और समुद्रों के नाम हैं वो सभी शुभ हैं, मंगलकारी हैं, है ना? और ये सभी अकृत्रिम हैं और ये हमेशा से अनादि निधन ये सभी रचनाएं हैं। तो इन जम्बू द्वीप और लवण समुद्र को प्रमुख बना करके आप असंख्यात द्वीप और समुद्रों की अपने दिमाग में एक रचना बनाना। ये जो रचना बनेगी यही कहलाएगी मध्यलोक की रचना। ये तो हो गया मध्यलोक का एक तरह का तिर्यक विस्तार, जो धरातल पर एक फैलाव है वो हो जाता है। जब हम ऊंचाई की अपेक्षा से देखते हैं तो इस मध्यलोक की ऊंचाई 100,000 योजन तक होती है। जो सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है वह पूरा मध्यलोक में ही गर्भित हो जाता है। इस बात से आप ये भी जानना कि जो भी हमें ऊपर चंद्रमा, सितारे और जो कुछ भी सूर्य आदि, नक्षत्र आदि जो ऊपर भ्रमण करते हुए दिखाई देते हैं ये सभी मध्यलोक में ही आते हैं। ऐसा नहीं समझना कि हमने मुंह ऊपर उठाया तो ऊपर ऊर्ध्वलोक हो गया। ऊर्ध्वलोक तो आपको दिखेगा ही नहीं, जो दिख रहा है वो सब आपको क्या दिखेगा? मध्यलोक दिखेगा। तो जितना भी हमें चंद्रमा, सूर्य आदि दिखाई देते हैं ये सभी किस लोक में है? मध्यलोक में है। ये अपनी धारणा में बना करके रखना। इनका वर्णन चतुर्थ अध्याय में जब आएगा तब बताया जाएगा। तो आचार्य कहते हैं कि सबसे पहला जो द्वीप है वो जम्बू द्वीप है। इसका नाम जम्बू क्यों रखा? तो नाम तो सभी अकृत्रिम अनादि निधन हैं और उन नाम के पीछे एक कारण ये भी बताया जाता है शास्त्रों में कि इस जम्बू द्वीप के मध्य में जो भोग भूमि है एक उत्तर कुरु नाम की, जो विदेह क्षेत्र के मध्य में कहलाती है, उसमें एक जम्बू वृक्ष होता है। उस जम्बू वृक्ष के नाम से इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रखा गया है, या रखा रहता है या चलता रहता है ना? रखा गया है ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो अकृत्रिम रचनाएं हैं उनमें कोई कुछ करने वाला तो है नहीं। तो वो जम्बू द्वीप नाम इसका इस कारण से पड़ा हुआ है। अब वो जम्बू वृक्ष जो होता है वह अपने अनेक और परिवार वृक्षों के साथ में सुशोभित होता है और उस वृक्ष पर भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, बाकी की शाखाओं पर अन्य देवादि भी होते हैं। तो वह भी अनादि निधन अकृत्रिम वह जम्बू नाम का वृक्ष है और वह रत्नों का बना हुआ होता है। उसे वनस्पति का एक मत जानना, पृथ्वी का एक जानना। ऐसे उस वृक्ष के कारण से इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। और इस जम्बू द्वीप के बाद में जो पहला समुद्र आता है उसका नाम है लवण समुद्र। तो ये तो प्रथम द्वीप और प्रथम समुद्र की बात हुई। अब आगे इसके क्या होता है वो आगे बताया जा रहा है। द्विर द्विर विष्कम्बाह पूर्व पूर्व परिक्षेपिडो वलया कृतयः। द्विर द्विर विष्कम्बा, द्विर द्विर ये दो बार बोला है। द्वि द्वि का मतलब होता है दुगना दुगना, है ना? इसको वीप्सा अर्थ कहते हैं कि जब यह हम किसी शब्द के साथ द्वि जोड़ देते हैं और उसका संबंध आगे के चीज़ों से होता है तो उसकी व्याप्ति उसके साथ बन जाती है। यानी जितने भी द्वीप और समुद्र होंगे वो सभी दुगने दुगने होंगे, ये उसकी एक व्याप्ति बन जाती है। यानी जो असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं वो सभी इसी प्रक्रम से दुगने दुगने होकर के आगे उनका फैलाव होता चला जाता है। सबसे पहला जम्बूद्वीप हो गया,
जंबू द्वीप के दुगनी चौड़ाई वाला क्या होगा? लवण समुद्र। फिर लवण समुद्र से दुगनी है ना, पूरा जो उसका विस्तार है, व्यास है, उस वाला वो होगा धातकी खंड द्वीप आएगा। फिर उसके बाद में फिर एक समुद्र आएगा जिसका नाम होगा कालोदधि समुद्र, है ना। फिर कालोदधि समुद्र के बाद में आएगा पुष्करवर द्वीप। फिर पुष्करवर द्वीप के बाद में एक समुद्र आएगा जिसका नाम है पुष्कर समुद्र, है ना। आधा तो बाद में करेंगे, उसका नाम क्या है? पुष्कर समुद्र, पुष्करवर समुद्र होएगा। फिर उसके बाद में एक द्वीप आता है जिसका नाम है वारुणीवर द्वीप। क्या बोलते हैं? वारुणी। वारुणी माने वैसे शराब होती है, अभी बताएंगे। वारुणीवर द्वीप, और फिर उसके बाद में आता है वारुणीवर समुद्र। ठीक है ना, गिनते जा रहे हो? कितने हो गए? चार हो गए। फिर उसके बाद में आएगा क्षीरवर द्वीप। क्या आएगा? फिर उसका समुद्र होएगा क्षीरवर समुद्र। फिर उसके बाद आएगा घृतवर द्वीप, उसके आगे समुद्र आएगा घृतवर समुद्र। ठीक है, कितने हो गए? छह हो गए। फिर उसके बाद में आएगा इक्षुवर द्वीप, और उसके आगे का समुद्र होएगा इक्षुवर समुद्र। कितने हो गए? सात हो गए। आठवां तो आप जानते ही हैं, आठवां हाँ द्वीप नंदीश्वर बखानो, क्या बोलते हो? हाँ, आठवां द्वीप नंदीश्वरम भासम, ये आ गया आठवां द्वीप। आपको एक इमेजिन करा रहा हूं कि ये जो आप पढ़ते हो नंदीश्वर द्वीप, ये कहाँ है, कितने दूरी पर है, और कितने द्वीप समुद्रों के दुगने दुगने होने के बाद इसका नंबर आया, समझ आ रहा है ना। तो आठवें द्वीप का नाम क्या हो गया? नंदीश्वर द्वीप। और आठवें समुद्र का नाम हो गया नंदीश्वर समुद्र। समझ में आ गया? अब और चले थोड़ा सा आगे, नौवां द्वीप, उसका नाम है अरुणवर द्वीप। अरुणवर द्वीप, समुद्र का नाम उसी के नाम से लगा लो, अरुणवर समुद्र, है ना। फिर दसवां अरुणाभास द्वीप, और अरुणाभासवर समुद्र, ये हो गया। फिर जो ग्यारहवां आता है, इसका नाम पहले आता है कुंडलवर द्वीप और कुंडलवर समुद्र। ये जानते रहे ना, इसको बताने का भी एक प्रयोजन है, पहले सुन लो, है ना। ये कुंडलवर द्वीप तक पहुंच गए, ग्यारहवें द्वीप। बीच में एक बारहवां द्वीप और आता है शंखवर द्वीप, शंखवर समुद्र। और फिर तेरहवां द्वीप आएगा रुचकवर द्वीप और रुचकवर समुद्र। यहीं तक हमें बात करनी है, आगे भी बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, और वो नाम तो संख्यात ही होते हैं, लेकिन द्वीप और समुद्र कितने? असंख्यात हैं। तो आप सोचो कि अगर नाम संख्यात हैं और द्वीप और समुद्र असंख्यात हैं, असंख्यात हैं, समझ आ रहा है, तो वह असंख्यात द्वीप और समुद्रों के शुभ नाम हमें कैसे मिलेंगे? नए नए मिल पाएंगे? शब्द तो संख्यात होते हैं, नाम संख्यात ही बनेंगे। तो ये मान के चलना कि यही शुभ नाम रिपीट होंगे, है ना, कई लाखों के बाद में फिर यही नाम फिर रिपीट होंगे। जंबू द्वीप, लवण समुद्र, इक्षुवर, अरुणावर, ये सब नाम फिर से रिपीट भी होंगे, और ये नाम भी कई बार रिपीट होंगे, तब जाकर के असंख्यात द्वीप और समुद्रों की गिनती पूरी होगी। तो मतलब ये जानना कि जंबू द्वीप एक नहीं है, कान खोल के सुनो तत्वार सूत्र पढ़ने लिखने वालों लोगों, जंबू द्वीप एक नहीं है, लवण समुद्र नाम का समुद्र एक नहीं है, लेकिन जो यहां बताया जा रहा है जंबू द्वीप, वो पहले नंबर का द्वीप है, उसका नाम यहां जंबू द्वीप बताया जा रहा है ना। जंबू द्वीप नाम के आपको बीच में और भी लाखों द्वीप मिलेंगे, लाखों करोड़ों, क्योंकि असंख्यात की गिनती छोटे मोटे में पूरी नहीं होती, आपके दिमाग भी नहीं चलेंगे असंख्यात इतना बड़ा होता है,
क्या सुन रहा हूं? वह असंख्यात जानने में आता है, नापने में आता है। अवधि ज्ञानी और मन पर्य ज्ञानी उस असंख्यात के छोर को पा सकते हैं। केवल ज्ञानियों को तो प्रत्यक्ष दिखता ही है, और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञानी भी अपने श्रुत ज्ञान से उस असंख्यात को गिनती के रूप में या गणित के रूप में जान लेते हैं। कैसे जान लेते हैं? कभी आप पल्ले और सागरों का जो वर्णन किया जाता है या उसको नाप निकालने का जो तरीका बताया जाता है, उस तरीके को पढ़ना त्रिलोकसार आदि ग्रंथ में। समझ आ रहा है ना? जब उसमें कुंड बनाए जाते हैं, शलाका कुंड, महाशलाका, प्रतिशलाका, और उन कुंडों में जो रोम भरे जाते हैं, और उन रोमों को जब खाली किया जाता है तो उसके माध्यम से जो पल्ले बनता है और फिर उसके बाद में सागर की रूप में आती है, उससे इन असंख्यात द्वीप और समुद्रों की भी नाप की जाती है। समझ में आ रहा है? तो असंख्यात ये संख्या ऐसा नहीं है कि आप अपने दिमाग से उसे अनंत जैसी समझ लें। अनंत नहीं है, ये है तो असंख्यात। ये एक संख्यात होता है जिसे हम न्यूमरेबल कहते हैं, है ना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और एक होता है असंख्यात, इन्यूरेबल, उसे हम नहीं काउंट कर सकते लेकिन वो काउंट होती है, है ना। आपको श्रुत ज्ञान के माध्यम से समझा तो दिया जाएगा लेकिन आप समझने के बावजूद भी उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम आपको बताएंगे इस कुंड को बराबर भी, इसको खाली करके फिर इसके भी बराबर दूसरे एक कुंड को भर के फिर तीसरे कुंड को भर के ऐसे कुंड में कितने रोम आ गए, उन रोमों के बराबर ये द्वीप और समुद्रों की संख्या का प्रमाण है। तो श्रुत ज्ञान से जानने में तो आएगा लेकिन हम उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं जान पाएंगे। एक अंदाजा तो आपके श्रुत ज्ञान के माध्यम से भी उन असंख्या द्वीप समुद्रों का लग सकता है। सुन रहे? पल्ल्य का नाम सुना? जब हम असंख्यात को नापने बैठते हैं तो हमारे सामने दो यूनिट आ जाते हैं, एक पल्ल्य और इससे भी बढ़कर के होता है सागर। सागर इससे भी बड़ा यूनिट होता है। तो पल्ल्य में 25 कोड़ा कोड़ी, पल्ल्य में जितने रोम होते हैं, क्या बोला, एक पल्ल्य नहीं, पल्ल्य माने वैसे होता है गड्ढा जो हम सलाका कुंड बनाते हैं ना, वो उससे पल्ल नापा जाता है। अब उसमें 25 कोड़ा कोड़ी का गुणा करो, कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है करोड़ में करोड़ का गुणा करना। तो 25 कोड़ा कोड़ी पल्लियों में जितने रोम समाएंगे, रोम भी कौन सा, अपने ये बालों का रोम मत डाल लेना उसमें, है जो बताया जाता है उत्तम भोग भूमि का नया उत्पन्न हुआ जो मेढ़ा होता है उसके, है ना, बाल का अग्रभाग जो लिया जाता है उसको एक रोम लिया है, है ना, और उस रोम को जिसमें भरा जाता है फिर उसके ऊपर बिल्कुल उसको प्रेशर करके बिल्कुल उसको लेवल बनाया जाता है, है? फिर उसके बाद में एक एक रोम को निकाला जाए तो उससे जो ये द्वीप और समुद्रों की संख्या नापी जाती है तो वो इतनी बनती है। मतलब ये काउंटेबल है, इसलिए बता रहा हूं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तीन लोकों को जानने के क्रम में अब तक हमने अधोलोक के बारे में जाना, सूत्र सात में मध्य लोक के बारे में भी जाना। यहाँ मुख्य रूप से मनुष्यों और दिव्यंशों का वास होता है और यह असंख्यात द्वीप समुद्रों से भरा हुआ है जिनका विस्तार तिर्यक यानी तिरछे रूप में रहता है, इसलिए इसे तिर्यक लोक भी कहते हैं। प्रथम द्वीप समुद्र का नाम जम्बू द्वीप और लवण समुद्र है और अंतिम द्वीप समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। मध्यलोक की ऊंचाई 1,00,000 योजन है। सुमेरु पर्वत और चांद सितारे, सूर्य, नक्षत्र आदि सभी मध्यलोक में ही आते हैं, ऊर्ध्वलोक में हमको नहीं दिखते। जम्बूद्वीप सबसे प्रमुख है और बीचों बीच में है। इसका नाम इसके मध्य में स्थित उत्तर कुरु नाम की भूख भूमि में स्थित जम्बू वृक्ष के नाम पर है। यह एक अनादि निधन अकृत्रिम वृक्ष है जो रत्नों का बना है।
यह वनस्पति कायिक न होकर पृथ्वी कायिक होता है। जम्बू वृक्ष पर और इसके परिवार वृक्षों पर अकृत्रिम चैत्याले होते हैं और शाखाओं पर देवादि वास करते हैं। सूत्र 8 में हमने जाना कि असंख्यात द्वीप समुद्र क्रमशः दो गुना विस्तार वाले हैं। विभिन्न द्वीप समुद्रों के नाम हैं जम्बूद्वीप और उससे दुगनी चौड़ाई वाला लवण समुद्र, उससे दुगना धातकीखंड द्वीप और उससे दुगना कालोधदी समुद्र, फिर पुष्कर वय द्वीप और पुष्कर समुद्र, फिर वारुणी वय द्वीप और वारुणी वय समुद्र, क्षीर वय द्वीप और क्षीर वय समुद्र, घृत वय द्वीप और घृत वय समुद्र, इक्षुवय द्वीप और इक्षुवय समुद्र, आठवां नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र, उसके बाद अरुणवय द्वीप और अरुणवय समुद्र, अरुणाभास द्वीप और अरुणाभासवय समुद्र, कुंडलवय द्वीप और कुंडलवय समुद्र, शंखवय द्वीप और शंखवय समुद्र, और तेरवा रुचकवय द्वीप फिर रुचकवय समुद्र। सभी द्वीप समुद्र जम्मू द्वीप आदि शुभ नाम वाले होते हैं, क्योंकि नाम संख्यात होते हैं और द्वीप समुद्र असंख्यात। एक ही नाम के अनेकों द्वीप समुद्र होते हैं, यानी जम्बू द्वीप एक नहीं है, अनेकों हैं। यहाँ जो जम्बू द्वीप बताया गया है वह पहले नंबर का है। असंख्यात संख्या सिर्फ अवधि ज्ञानी मन पर ज्ञानी के जानने में आती है, केवल ज्ञानियों को यह प्रत्यक्ष दिखता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञानी भी इसे गिनती के रूप में या गणित के रूप में जान लेते हैं। त्रिलोक सार आदि ग्रंथों में इन असंख्यात द्वीप समुद्रों को नापने का तरीका भी बताया है। पल्य और असंख्यात जैसी संख्याओं को नापने के लिए कुंड बनाए जाते हैं, जैसे शलाका कुंड, महाशलाका, प्रतिशलाका, और उन कुंडों में रोम भरे जाते हैं। उन रोमों को जब खाली किया जाता है तो उसके माध्यम से पल्य बनता है और उसके बाद में सागर की उपमा आती है। उससे इन असंख्यात द्वीप और समुद्रों की भी नाप की जाती है। असंख्यात यह संख्या अनंत नहीं है। संख्यात मतलब नंबरेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और असंख्यात मतलब इन्यूमरेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन वह काउंट होती है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिनवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे, साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, धातकी खंड द्वीप के पहले क्या आएगा? क्षीरवय समुद्र, लवण समुद्र, कालोदरी समुद्र, पुष्करवय समुद्र। आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।